इस वक्त हम GT20 2023 कनाडा में जो होने जा रहा है 20 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक, उसका ब्रैम्पटन में CAA सेंटर पे जो क्रिकेट फील्ड है वहाँ पे ये ग्राउंड जो डिजाइन हुआ है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये पूरा जो ग्राउंड है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे डिजाइन किया गया, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, इवन एक चेयर भी नहीं थी, लेकिन हमने पूरे का पूरा जो ग्राउंड है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे पहले स्कैफोल्ड लगी है, उसके ऊपर टेंट आ रहे हैं। इसमें दो जोन बनाए गए, एक को VIP जोन कहा गया और एक को जनरल जोन कहा गया। जैसे कि सागर भाई दिखा रहे हैं, ये जो हमारा इलाका है इसको हम जनरल जोन कह रहे हैं। यहाँ पे पहला जो ये एरिया, यहाँ पे ये मीडिया बॉक्स है, पहला टेंट जो है उसके बराबर में गोल्ड सीटिंग है जहाँ पे टिप ऑफ सीटिंग है और ये कवर्ड है। उसके बराबर वाला जो टेंट है जिसमें हाफ चेयर लगी है, ये भी गोल्ड सीटिंग है, टिप ऑफ सीट होंगी। उसके बराबर में जो TV स्क्रीन लगेंगी जहाँ पर स्कोर बोर्ड वगैरह नजर आएगा, और उसके बराबर में जहाँ पर अभी सीटें लगी वहां भी टिप ऑफ सीट लगेंगी, कवर्ड है, ये भी गोल्ड सीटिंग है। लास्ट जो दोनों आपको स्टैंड नजर आ रहे हैं इन्हें जनरल ब्लीचर स्टैंड कहा गया है, लेकिन ये भी कवर्ड होंगे। तो टोटल ये पूरा का पूरा, कोई भी इस दफा आपको यहाँ पे कोई एक भी ऐसा स्टैंड नहीं होगा जो कवर नहीं होगा, सारे कवर्ड होंगे। और उसके बाद फिर अगर हम स्क्रीन पे जाएं तो ये जो स्क्रीन है ये ICC के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 60 फुट चौड़ी है, 30 फुट इसकी हाइट है, 12 फुट इसकी डेप्थ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके आगे बाकायदा प्लाईवुड के साथ लगाकर इसको ब्लैक कलर किया गया ताकि जो विंड आए उसमें इसमें आवाज़ नहीं आएगी, ये कहीं से रिप ऑफ नहीं होगी। ये प्रॉपर जो प्लेयर है उनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो स्क्रीन चाहिए, साइड स्क्रीन, वो यहाँ पे डिजाइन की गई। ये इसलिए रखी गई है कि चूंकि बॉल वाइट होगी तो इसलिए उसके पीछे ब्लैक स्क्रीन चाहिए होती है, क्योंकि ये T20 है, वाइट बॉल इसको गेम कहते हैं, तो वाइट बॉल के लिए जरूरी है कि ब्लैक स्क्रीन रखी जाए। उसके बाद ये जो इधर का एरिया है जो इसको हम बेसिकली ये हमारा वेस्ट साइड कहलाता है, ये VIP एरिया, अगर इसके एक्सट्रीम राइट पे चले जाए बिल्कुल स्क्रीन के बराबर में, तो वो हमारा VIP के 3 वहां पर टेंट जो है वो लगेंगे। इनमें क्या होगा कि इनसाइड एयर कंडीशन एक एरिया होगा, आप अंदर हैं, उसके बाद अगर आप बाहर आना चाहेंगे तो आपके पास स्टैंड होगा, आप स्टैंड पे बाहर आ जाएं, वहां पे आप खड़े हो जाएं, उधर आपने जो भी बाहर आके आपने बैठना है, अपना गेम एंजॉय करना है, वो आप कर सकते हैं। आप अंदर जाना चाहें अंदर चले जाएंगे, वेयर कंडीशन को, तो 3 उसके वहां पर टेंट लगेंगे। और ये तमाम टेंट जो है ये तकरीबन 70 फुट वाइड है, तो ये 1, 2, 3 स्ट्रक्चर तैयार बन चुके हैं। और अगले दिनों में, जैसा कि हमने कहा कि आज हम जब ये रिकॉर्डिंग पे आए हैं तो ये 20 जून है और जुलाई की 20 को शुरू होना है, तो 1 महीना बाकी है। हम तकरीबन 50% ग्राउंड कम्प्लीट कर चुके हैं, अब इसका 50% जो मेजर काम है, जो स्ट्रक्चर खड़ा होना है, वो तैयार हो चुका है। अब टेंट लगने हैं और ब्रांडिंग का काम शुरू होना है। उसके बराबर में भी कॉर्पोरेट बॉक्सेस लगेंगे। कॉर्पोरेट बॉक्सेस में डिफरेंट कंपनीज ने कॉर्पोरेट बॉक्सेस लिए हुए हैं, और उसमें 21 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं। बहुत बड़ी जो यहाँ पे कंपनीज हैं उन्होंने ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस लिए हैं, वो अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को बुलाएंगे, और हर कंपनी का अपनी ब्रांडिंग होगी उसके कॉर्पोरेट बॉक्स के अंदर। हमने उनकी अपनी ब्रांडिंग कर दी, अगर आपने कॉर्पोरेट बॉक्स लिया है तो आपकी अपनी ब्रांडिंग होगी आपको जो वहाँ मिल रही होगी। उसके बराबर में हम जब आएंगे तो फिर हमने जो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो के इस पूरे इवेंट में शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है, क्रिकेट कनाडा है, उनके लिए एक अलहदा जोन बनाया गया है। वहाँ पे 6 बॉक्सेस बनाए गए जहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और उनके ऑफिशियल और उनके गेस्ट आके देखेंगे। बेसिकली क्रिकेट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, तो गवर्नमेंट उसमें शामिल है, और डेफिनेटली ये जो इवेंट होगा ये माइलस्टोन सेट करेगा अगले सालों के लिए, कि यहाँ से ये और आगे बढ़ जाएगा। उससे हम जब आगे चलेंगे तो फिर जो टीम ऑनर हैं, जिन्होंने टीम बाय की हुई है, उनके यहाँ पर 2 इंक्लोजर हैं, और वो लीग ओनर जिनका ये लीग है पूरी, उनका इंक्लोजर। इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है हमने डिजाइन किया। इन दोनों की बैक साइड पर फूड कोर्ट होंगे। ये जो VIP एरिया है इसका अपना फूड कोर्ट है, अपने वेंडर होंगे, और जो जनरल एरिया है उसका अपना फूड कोर्ट, उसके अपने वेंडर होंगे। तो दोनों तरफ फूड कोर्ट और वो वेंडर लगाए जाएंगे और अपने अपने एरियाज में होंगे, और वहीं पर वो अपने फूड को एंजॉय। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके नाम हम अगले चंद दिनों में रिवील करेंगे, जो कि थोड़े दिनों में। और ये पूरा जो काम है जो रोबो इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी है, उसके पास इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और ऑपरेशन मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। वी आर नॉट द ऑनर, इस बॉम्बे स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड इस पूरी लीग को ऑन करते हैं, वही इसको लेके जा रहे हैं। हमारा रोल जो है वो सिर्फ बिल्डिंग ऑफ दिस होल ग्राउंड है। हमने इसको कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया, उसकी इंजीनियरिंग की, और अब उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
और उसके बाद इसकी ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। क्रिकेट जो है और प्लेयर्स और टीम और बाकी जितना भी काम है वो बॉम्बे स्पोर्ट्स जो है, जो कि ऑनर देन पेरेंट कंपनी है इस पूरे इवेंट की, वो इसको मैनेज करेंगे। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम जो है वो GT20 2023 कनाडा में जो इवेंट होने जा रहा है उसके ग्राउंड पे मौजूद है। ये CAA सेंटर ब्रैम्पटन के जो क्रिकेट फील्ड है वहाँ मौजूद है। GT20 2018 में इसका पहला सीजन हुआ किंग सिटी में, 2018 में दूसरा सीजन हुआ ब्रैम्पटन में, और 2023 में ये तीसरा सीजन होने जा रहा है। दरमियान में कोविड की वजह से ये इवेंट नहीं हुआ। ये जो इवेंट है बेसिकली ICC का अप्रूव्ड इवेंट है। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक लीग है जैसे आप PSL या आप IPL है या उसके बाद कैरिबियन लीग है या लंका लीग है, उसी तरह की लीग है जिसमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। ड्राफ्ट इसका हो चुका है, 6 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। हमारा जो रोल है वो आज जो आपने मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, क्योंकि अगर आपको अच्छा काम करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमने अपने दोस्तों को बुला के आज ये चाह रहे थे कि देखें कि हमने एक मेहनत की है और आप लोग कम से कम पता चले कि आपके एक दोस्त ने, भाई ने और हमारी फैमिली ने मेहनत करके हमने एक चीज को डिजाइन किया है। रोबो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिएट किया। रोबो इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी है ये 1996 से जो है काम कर रही है और ये इवेंट मैनेजमेंट का ही काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट बहुत किए, उनकी एक हिस्ट्री है अपनी। इसका यहाँ पर जो क्रिकेट के अब तक जो 6 इवेंट हुए हैं उसमें से 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज किए, तो ये 4th इवेंट है जो कि ICC के लेवल पर हमने मैनेज किया है। अब ये जो इवेंट है ये बेसिकली यहाँ पर होगा जुलाई की 20 से शुरू होगा और ये ख़त्म हो जाएगा 6 अगस्त को। 14 दिन का ये इवेंट है, 10 दिन इसके अंदर डबल हेडर है जिसमें 2 गेम होंगे, 4 दिन जो है उसमें सिंगल हेडर है जिसमें 1-1 गेम होगा। और इसके जो 6 टीम थे उनके अनाउंस अगर आप GT20.CA पे जाएंगे तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको आज ये अभी ग्राउंड बन रहा है, इस ग्राउंड को हमने बनाना शुरू किया था 3rd of May से, आज हम 20th of June पे खड़े, अगर आप लगा ले तो तकरीबन ये 6 हफ्ते हो चुके हैं और अब यहाँ से हमारे पास 4 हफ्ते हो रहे हैं, तो 10 हफ्ते का ये हमारा प्रोसेस है। और हम समझते हैं कि अभी हम 1 हफ्ता ऑलरेडी इसमें तेज हो चुके हैं, अब अहेड ऑफ दी प्लान है अपने। हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह ताला इस ग्राउंड की फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो हम 14 या 15 जुलाई को कर देंगे, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी होंगी। अभी हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें काफ़ी 2 एरिया बनाए हैं जिसमें कि हमने जनरल इंक्लोजर, एक VIP इंक्लोजर उनके फूड को। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, अभी इस वक्त हमने जब बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये साइड स्क्रीन है साउथ साइड की, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं जहाँ पर हम ये पूरा कर रहे हैं। और ये जो जगह ये रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीम है, तो इस जगह पर ये बिल्कुल पीछे हमारे यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग जो है वो उसके लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ी टीम है जो कि इसकी ब्रॉडकास्ट। ये जो हमारा इस तरफ का एरिया है ये VIP एरिया कहलाएगा, इसको आप वेस्ट कोस्ट के, हमारा वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है, और वो साइड स्क्रीन जो है ऊपर नॉर्थ की है। इस साइड स्क्रीन की साउथ के ऊपर हमने कमेंट्री बॉक्स भी बनाया है और इसके ऊपर ही टेलीविजन कैमरे भी लगेंगे, तो दोनों तरफ कैमरे जो है उसके ऊपर लगे होंगे। और ये जो येलो लाइन है ये इसकी फेंसिंग कर रहे हैं। और यहाँ से अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये हमारा कंट्रोल रूम है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये लीग ऑनर्स का बॉक्स होगा, ये टीम ऑनर्स जो जिन्होंने टीम बाय की है वो है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ओंटेरियो गवर्नमेंट, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उसके बाद क्रिकेट कनाडा, उन सबके यहाँ पर बॉक्सेस मौजूद होंगे। फिर ये सुइट है, ये 3 जो कि कॉरपोरेट सुइट है, डिफरेंट बिजनेसेस ने, जो बड़े लेवल के बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने लिए सुइट ले लिया है ताकि वो अपने 20 दिन तक अपने क्लाइंट को, अपने स्टाफ को अगर उन्होंने एंटरटेन करना है तो यहाँ लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर ये 3 जो है ये VIP इनक्लोजर है अगेन, और इन सब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितना भी है इसका जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो पूरा एयर कंडीशन होगा, और उसके बाद उसके अंदर आपको वहाँ से वॉल है, उस वॉल से आप बाहर निकले तो आगे फिर आप ओपन एरिया में चले जाएंगे, फिर जाके मैं दिखाता भी हूँ, और वहाँ पे आप बैठे हैं, आपने वहाँ बैठना है, वहाँ पे हाई चेयर्स हैं उस पर बैठ जाएं आप, तो एक आपको प्रॉपर ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है और जो फीलिंग है मैं गारंटी करता हूँ कि वो यहाँ मिलेगी, ये आप 100% वो गारंटी मिलेगी। तो ये हमारा ये वाला जोन है। इस एरिया के लिए ये एक फूड कोर्ट बनाया गया, वेंडर्स हैं, वेंडर्स के साथ ये फूड कोर्ट है, तो इनका ये अपना एक एरिया है। जब इधर आ जाएंगे हम, ये हमारे दोनों जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बिल्कुल साथ ये हमारा DJ बॉक्स है, DJ बॉक्स के बाद ये हमारा मीडिया बॉक्स है, ये जो है ये मीडिया का बॉक्स ऑलरेडी बन चुका है, ये जो है ये मीडिया बॉक्स है ये जो आप देख रहे हैं। इसमें भी अगेन जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आएगा इसमें, तकरीबन तमाम टेस्ट प्लेइंग जो कंट्रीज हैं वो
उसका जो मीडिया है वो रजिस्टर हो रहा है और वो इसके अंदर इसकी कवरेज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये 84 कंट्रीज में ये मैचेस लाइव टेलीकास्ट होंगे, तो इसलिए वो वहाँ के जो मुख्तलिफ मीडिया के लोग हैं वो आ रहे होंगे मीडिया बॉक्स के। तो ये दोनों हमारे पवेलियन है, इन दोनों पवेलियन में भी ये भी हमने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन बनाए हैं, एयर कंडीशन है, इसके पीछे होल्डिंग एरिया है, शॉवर वगैरह लगाए हैं पूरे, और अंदर पूरा आपको लॉकर रूम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा यहाँ मिलेगा, इजी चेयर वगैरह, फिर उसके बाद डगआउट बनाया, डगआउट से आप ग्राउंड में चले जाएंगे। तो जब ये अभी चूंकि ये हमारे सेकेंड फेज में बनेगा तो आपको एक दफ़ा फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह, जुलाई के कोई सेकेंड वीक में आपको बुलाएंगे, जब ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका होगा तो वो भी चीज़ें आपको देखने, फिर आपको जो अंदर की जो डिज़ाइनिंग है वो नजर आएगी, जो हमने अंदर काम किया वो आपको नजर आएगा। इसके बराबर में ये ICC का इस मैच ऑफिशियल बॉक्स कहलाता है, जहाँ पे रेफरी, अंपायर्स और एंटी करप्शन की टीम जो है वो यहाँ बैठ रही होती है। मीडिया बॉक्स, मीडिया के बाद ये हमारे गोल्ड सीटें हैं, ये आपने देख ली है, वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये गोल्ड सीटें कवर्ड है, ये भी गोल्ड सीटें कवर्ड है, टेलीविजन स्क्रीन आ जाएगी, गोल्ड सीट कवर्ड है, दोनों ब्लीचर हैं, ये भी कवर्ड है, लेकिन एल्युमिनियम की सीटिंग होती है, ब्लीचर होते हैं, सारे का सारा ग्राउंड जो है वो कवर्ड है इस दफा, इसमें कहीं पर भी कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जो कवर्ड नहीं होगी। तो हमने ये अगेन एक्सपीरियंस है, आपने पिछली दफा प्रॉब्लम हुए अगर कवर्ड नहीं था, सीटें गर्म हो जाती थी, तो वहां से हमने किया मोर मनी पुट इनटू द सिस्टम। ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन आप लगाएं 10 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, और जो हमने 10 हफ्ते पहले शुरू कर दिया था, लेकिन हमने इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सारा निज़ाम जो है ना दिया, क्योंकि हमें ICC की रिक्वायरमेंट को भी देखना था, विकेट से कितनी जगह होनी चाहिए, फिर यहाँ पर पैरामीटर बोर्ड रन करेंगे, 1200 फुट के पैरामीटर बोर्ड है, 3 फुट के वो डिजिटल बोर्ड चल रहे होंगे, फिर एक बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है, ICC ये कहती है कि विकेट के सेंटर से बाउंड्री को मिनिमम 65 यार्ड पर होना चाहिए, हमने अपना स्ट्रक्चर 73 मीटर से शुरू किया है, तो वी गेव लॉट ऑफ स्पेस ताकि वहाँ हमने जो ब्रांडिंग करनी है, बाउंड्री लगानी है, बोर्ड लगाने हैं, वो सारे लगा सकते, तो हमने वो हर उस चीज़ के लिए जिसकी ज़रूरत है वो हमने वो जगह, तो इनफैक्ट ICC की रिक्वायरमेंट पे जो उनका न्यू वेन्यू डॉक्यूमेंट है उसकी एक एक शिक को पढ़ के और फिर ये ग्राउंड बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने वो बना दिया, बल्कि उसके साथ साथ उनके साथ वो मीटिंग्स होती हैं, उनको बताया जा रहा होता है। और फिर दूसरा ये है कि ब्रैंटन सिटी, ओंटेरियो गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, दे आर हेल्पिंग अस, दे आर ऑन बोर्ड, और ये ग्राउंड पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 5 विकेट्स का 5 पिचेस का स्क्वायर बना हुआ है, और न्यूजीलैंड से हमारे क्रिकेटर आए जो कि इसको बना रहे हैं, तो आपको क्रिकेट तो ये मज़ा आएगा क्रिकेट का। और ये जो येलो लाइन है इस चारों तरफ, ये बेसिकली फेंसिंग हो रही है, ये एरिया को अलहदा फेंस किया गया ICC के रूल्स के मुताबिक, यहाँ कोई नहीं जा सकता, इसको अलहदा फेंस कर दिया गया, तो ये पूरा उस लिहाज से डिज़ाइन किया है, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, एम्बुलेंस का इंतजाम इनसाइड होगा, तो ये सब आपको जो चीज़ें इस पर नज़र आ रही हैं बेसिकली ये सब इसी तरीके से ग्राउंड में मौजूद होंगी। और ये जनाब, और ये हमारे रिजर्व पार्किंग है, जहाँ पर हमारे वेंडर्स या जो ऑफिशियल्स हैं उनकी गाड़ियाँ लगेंगी, बहुत थोड़ी सी जगह है हमारे पास पीछे, लेकिन जो CA सेंटर की अपनी पार्किंग है, इस दफ़ा वो पार्किंग हमें मिली है और फ्री पार्किंग, तो नो टिकट, आपने CA सेंटर में लगाया और वॉक करके ग्राउंड पर आ गए, तो ये एक और इसके अंदर एडिट वो है। आप ये जो आज हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हमने अपने दोस्तों को, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, हमने आपको बुला के अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिवील किया कि देखिए हमने ये काम किया या हम इस लेवल पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए भी होता है कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी से हो रहा है, और इंशाल्लाह जब ये डिज़ाइन हो जाएगा पूरा ग्राउंड, तो उस वक्त जब आपको बुलाएंगे तो आप देखेंगे, और गारंटीड है कि स्टेट ऑफ द आर्ट आपको फैसिलिटीज, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक, और सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन के ग्राउंड हमारे हैंडओवर हुआ इस पे एक कुर्सी भी नहीं थी, तो ये पूरे का पूरा ग्राउंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे डिजाइन होगा, लेकिन जो फीलिंग है वो आपको इंटरनेशनल स्टेडियम को देगा, और ये डेफिनेटली इसके ऊपर बेतहाशा कंपनीज के साथ काम करना, वेंडर्स के साथ काम करना, उनको ऑन बोर्ड लाना, वो हमने किया है, ये आ चुके हैं ऑन बोर्ड, आपने देख लिया तकरीबन 50% काम खींच दिया हमने, और अब आने वाले दिनों में ये काम तेजी से, जैसे मैंने बताया था कि ये जो मटीरियल जो इस तरह के इवेंट में इस्तेमाल होता है, रॉजर कप, होंडा इंडी, कैनेडा गोल्फ, या इस तरह के इवेंट में ये 4-5 ही कंपनी है, तो ये सामान मूव कर रहा था पूरे नॉर्थ अमेरिका में। अब हमारे पास जो ये सामान, इसके एफर्ट लगा है, ये जो रॉड वगैरह है, ये मियामी से आया पहला, इसका दूसरा राउंड जो है वो कल मॉन्ट्रियल से आएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ से ख़त्म होगा, इस दरमियान में होंडा इंडी आ रही है डाउनटाउन में, जब ये यहाँ से ख़त्म, ये वैनकूवर एक इवेंट है वो उसके लिए जा रहे हैं, फिर इसी तरह ये 5-6 ही कंपनी होती हैं जो कि मिल के हर इस लेवल के ग्राउंड को डिज़ाइन करती है, और वो उनको हमने हायर किया हुआ है, एंड दे आर वर्किंग विद अस। हमारा जो रोल है
वो हमने इस ग्राउंड का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, इसकी इंजीनियरिंग की, उसके बाद डिजाइनिंग की, इसकी अप्रूवल ली, वेंडर एक्वायर किए और उनसे काम लेना शुरू कर दिया। ये हमारा रोल है। तो वी आर प्योरली इन टू ऑपरेशन। क्रिकेट टीम, प्लेयर, मीडिया, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर प्योर 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 जस्ट ऑपरेशनल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड, और यही हमारा रोल है। जो बॉम्बे स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड है, उनका ये इवेंट है, वही बाकी सब चीजों को अपनी मैनेज कर रहे हैं। हमारा रोल इस ग्राउंड की डिजाइनिंग तक जो है वो खत्म हो गया। जी सलोने का पहले तो टोरंटो 360 का बहुत शुक्रिया कि हमेशा ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने व्यूज, अपनी थॉट्स जो है ना, और थ्रू टोरंटो 360 टीवी के सब व्यूवर्स को दें। तो भी हम अरब शेख भाई के साथ यहाँ पे जूनियर ग्राउंड के हवाले से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ ब्रैम्पटन में आ रहे हैं उसके हवाले से जो उन्होंने चीज़ें शेयर की, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है। स्पेशली ब्रैम्पटन में एक बहुत बड़ा क्रिकेट का इवेंट होने जा रहा है जिसमें आरशे भाई और इनकी टीम एक मेजर रोल प्ले कर रही है कि किस तरह ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ये मैनेज कर रहे हैं, और कम्युनिटी के लिए भी एक ऑनर है कि किस तरह ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं ये सामने जो मैप है, मैप में जो सर्कल है, और इस चीज़ों को, ये ग्राउंड को बनाना करना इज नॉट इजी टास्क। तो डेफिनेटली हम अरशे भाई को, उनकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं, जो स्ट्रगल हैं इसको डेवलप करने के बनाने में। और अभी उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 20 वनवर्ड अगस्त 4 और समथिंग इसके दौरान ये मैच होंगे। और ये सारी चीज़ें हैं प्रीटी मच, बड़ा हमारे लिए इम्प्रेस्ड है कि इन्होंने हमें बुलाया और हमें एजुकेट किया और हमें इस चीज़ को फेमिलियर किया। चलें जी, इंशाल्लाह ताला जो व्यूअर इसको देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 20 वनवर्ड जो क्रिकेट के मैच हो रहे हैं जिनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, आप भी आए, इनको देखने का मौका मिलेगा। T20 2003 की ग्राउंड जो सेटअप हो रही है और जिस अंदाज में ये कंपनी काम कर रही है और यहाँ दोस्त काम कर रहे हैं जिसमें आरफ शेख साहब ने बेड़ा उठाया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में ये ग्राउंड सेटअप हो रही है और बहुत ही प्रोफेशनली काम हो रहा है। आई रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आरफ शेख साहब ने जिस अंदाज में ये बेड़ा उठाया, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी सिंसियर वर्कर के जिस भी काम को लेकर चलते हैं बड़ी सिंसेरिटी से करते हैं। आप देख सकते हैं कि T20 के सारा राउंड अप, सारा सिक्योरिटी सिस्टम, सारा पुलिस, इवन ग्राउंड और ये सारी आर्टिफिशियल ये चीज़ें लगी हैं, लेकिन इसको बनाने में जो मेहनत इन्होंने दरकार लगाई है, ट्रस्ट मी, इसका उसकी काबिल दीद है। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ एडवांस में, क्योंकि इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना एक आम बंदे का काम नहीं है। इसमें अरब शेख साहब और उसकी पूरी टीम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आई होपफुल कि ये इवेंट पूरा सक्सेसफुल होगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 84 कंट्रीज में ये डायरेक्ट दिखाए जाएंगे मैच, पूरी दुनिया से यहाँ क्रिकेटर आएंगे, और क्रिकेट को जिस अंदाज में ये कैनेडा में प्रमोट कर रहे हैं, क्या बात है। और पाकिस्तानी लव क्रिकेट, पाकिस्तान सबसे पहले। ये क्रिकेट लवर्स के लिए तो बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है कि आपके मेरे शहर ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ग्रेटर टोरंटो एरिया में G20 के इवेंट्स होने जा रहे हैं। जुलाई के एंड में शुरू होने वाला, 20 जुलाई से शुरू होने वाला ये इवेंट अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगा। कई टीमें आ रही हैं, बहुत सारे मेरे और आपके प्लेयर्स आ रहे हैं। और क्या आपको पता है कि G20 के एम्बेसडर्स कौन हैं? जी हाँ, वसीम अकरम हैं, और कौन है भाई, ये नाम बताए थे, नहीं छोड़ो, दोबारा से बोलता हूँ। ये मेरे लिए आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर टोरंटो में G20 का इवेंट होने जा रहा है। जुलाई के एंड में शुरू होने वाला ये इवेंट अगस्त तक रहेगा, 12-15 दिनों तक यहाँ शहर में खूब मेला लगेगा। मेरे आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स पाकिस्तान से, दूसरे और मुल्कों से टीमों का हिस्सा बनेंगे, और यहाँ पर जनाब शायकीन की बड़ी तादाद में 7,000 से ज़ायद शायकीन इस स्टेडियम में जो है वो अपने अपनी पसंद की टीमों को और प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। और जनाब ये पूरा एक महीना शहर के अंदर आपको खिलाड़ी भी नजर आएंगे, रेस्टोरेंट्स भरे हुए नजर आएंगे, बहुत सारे शहरों से लोग इस इवेंट को देखने आएंगे। और मुबारकबाद देंगे आरिफ शेख साहब को, रोबो इंटरनेशनल को, कि जिसने
इस खूबसूरत से ग्राउंड को ट्रांसफॉर्म करना है एक जबरदस्त से स्टेडियम में, कि जहां पर आपके बैठने के स्टैंड्स भी हैं, वहां पर जो है वो वीआईपी इंक्लोजर्स भी हैं, मीडिया की स्पेस भी है और खूबसूरत सा ग्राउंड आपके सामने होगा। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, पार्किंग फ्री है और इसके टिकट्स आप जब G20 की मार्केटिंग शुरू होगी आपने टिकट्स लेने नहीं भूलने। और सबसे ज्यादा मसला किसका होता है? फाइनल के टिकट्स का, और वो हम ढूंढते हैं एक दिन पहले। ये काम नहीं चलेगा, सबसे पहले फाइनल के टिकट पकड़े, बाकी फिर दूसरे देश के टिकट्स पकड़िएगा अपने बच्चों के साथ जिनको क्रिकेट का शौक है। आए, लेट्स एंजॉय क्रिकेट टुगेदर इन योर ओन सिटी टोरंटो। थैंक यू टोरंटो 360 टीवी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आज हम यहाँ पे CAA सेंटर में इकट्ठे हुए हैं और आरिफ शेख साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है जो G20 हो रहा है, और इन्होंने इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज ग्राउंड तैयार करवाया और बड़ी मेहनत करके। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपनी इनकी पूरी टीम को, आरिफ शेख साहब को और उनकी पूरी टीम को। माशाल्लाह जितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह अल्लाह ताला इनकी तरक्कियाँ होती रहें और कामयाबियाँ मिलती रहें। जी, वंस अगेन अरसलान बेग इज़ बैक। हम इस वक्त मौजूद है CAA सेंटर में, जहाँ के ग्लोबल T20 कैनेडा होने जा रहा है। July 20 से यहाँ पे एक्शन शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर, इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे अभी मेंशन किया गया कौन कौन आ रहा है। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ग्राउंड बड़े प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहा है। रोबो इंटरनेशनल कंपनी है जो कि रन बाय और ओन डियर फ्रेंड आरिफ शेख साहब, और उन्होंने अभी ब्रीफिंग दी और उसमें ये बताया गया है कि बड़े ही बेहतरीन किस्म की, देखिए आप साइड स्क्रीन जैसे आप देख सकते हैं, साइड स्क्रीन के बीच में आप देख सकते हैं जो एक विंडो लगा हुआ है, ये एक कमेंट्री बॉक्स है। और ये बिल्कुल काले शीशे देखेंगे जब हम ग्राउंड में खड़े, और अंदर वालों को बाहर का सब कुछ दिख रहा होगा। और कमेंट्री बॉक्स में बड़े बड़े कॉमेंटेटर यहाँ पे आ रहे हैं, वकार यूनुस और बेशुमार बड़े बड़े नाम यहाँ पे कॉमेंट्री करने आ रहे हैं। ये जो है बेसिकली ये कुछ कॉरपोरेट बॉक्स और कुछ VIP स्टैंड बन रहे हैं उन लोगों के लिए। बहुत से लोग जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने कॉर्पोरेट बॉक्स यहाँ पे बाय किए हैं। इसी के साथ साथ ये VIP स्टैंड्स हैं और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में ये स्टैंड्स बन रहे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे बिल्कुल AC, सब में AC मौजूद होगा और जितनी भी गर्मी होगी VIP और कॉर्पोरेट बॉक्स वाले लोग आराम से मैच इंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मीडिया बॉक्स लगा बिल्कुल जो है साइड स्क्रीन के बिल्कुल ही पास, मीडिया इंक्लोजर है कि जैसी जब ख़त्म हुआ करेगा गेम तो मैन ऑफ द मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे वो मीडिया बॉक्स के अंदर होगी। और जो ये गोल्ड स्टैंड है और उसमें बेहतरीन चेयर्स हैं कि अगर आप यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो कंफर्टेबली आप देख सकते हैं। पास्ट में ये हुआ था लास्ट ग्लोबल T20 में कि यहाँ पे जो है सीटों की काफ़ी कंप्लेन थी, लेकिन इस दफ़ा बेहतरीन किस्म की सीटें लगाई गई हैं। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर सिल्वर स्टैंड है। सिल्वर स्टैंड भी लास्ट टाइम क्या थे, इनमें छत नहीं मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि सन से बचने के लिए बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे छतें भी लगाई गई हैं सिल्वर स्टैंड के लिए, और बेहतरीन किस्म का प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लगता है कि अभी 20-30% ग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और आने वाले दिनों में। और जो मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पिच तैयार होगी। अभी तो खैर पिच आप देख सकते हैं कि पिच पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन जल्दी ही ये पिच है जो है यहाँ पे यहीं पर जो है बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने मल्टीपल पिचेस बनेंगी, जहाँ पे वक्तन फवक्तन गेम के साथ साथ कभी एक पिच पे गेम होगा, कभी नेक्स्ट डे दूसरी पिच पे गेम होगा, फिर तीसरी पिच पे गेम होगा। तो बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे ग्लोबल T20 आपके लिए जल्दी ही ब्रैम्पटन में July 20 से शुरू हो रहा है। और मजीद आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको मजीद अपडेट मिलते रहेगी। थैंक यू।